केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के फालो वाहन को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री प्रहलाद पटेल अस्पताल पहुंचे, जवानों से मुलाकात की, हालचाल जाना। बुंदेलखंड बस और हमारे पायलट गाड़ी में टक्कर हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुखद चित्र मैंने अपनी आंख के सामने से देखा। ये गाड़ी पूरी क्रैश होने के बाद, पर उसके बाद बस का पिछले मतलब पायलट गाड़ी के पिछले हिस्से में बस ने टक्कर मारी, और वो इतनी जो खतरनाक थी कि जो पीछे बैठे थे वो जमीन में गिरे बस के पीछे वाले टायर के पास। जो ड्राइवर थे वो गाड़ी एकदम घुमाकर उन्हें किनारे मतलब उसमें डाल चली गई गाड़ी, बाद में आके वो बाहर हुए। मतलब सारे के सारे लोग, एक को छोड़कर सारे लोग इंजर्ड हैं, और बस में भी स्क्रीन टूटी है। लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ये ठीक है, लेकिन बहुत दर्दनाक और भयानक घटना है। आज माननीय मंत्री जी के साथ पुलिस लाइन से पायलट में हमारे सब इंस्पेक्टर MP सिंह और उनके साथ कर्मचारी लगाई गई थी, जो वापस आते समय बुंदेलखंड बस जो जबलपुर से छतरपुर जा रही थी, दमोदहात थाना क्षेत्र में कोपरा के पास अपनी पायलट वाहन जो है बस से अचानक टकरा गई, जिसमें हमारे तीनों कर्मचारी सब इंस्पेक्टर MP सिंह, चालक यासीन और दूसरा जो कर्मचारी है देवी सिंह, तीनों घायल हुए हैं। उनको जिला चिकित्सालय में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है और अभी तीनों की स्थिति ठीक है।